हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं हूं अमृतेश कुमार और आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक होगा हमारा कोरोना डिस्चार्ज और इसके जो है नोको प्रिंसिपल के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, और हम लोग बात करेंगे वेंडी ग्राफ जनरेटर के बारे में। किसके बारे में? वेंडी ग्राफ जनरेटर के बारे में। ठीक है, एग्जाम में पूछता है तो 5 में पूछता है, और अभी जो हमारे जो जैक बोर्ड का सिलेबस है उसमें तो कोरोना ये जो बोलते हैं वेंडी ग्राफ जनरेटर ये नहीं पूछता, नहीं फिर भी नॉलेज के लिए पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कोरोना डिस्चार्ज के बारे में। किसके बारे में? कोरोना डिस्चार्ज। तो ये कोरोना कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, मैं पहले बता देती हूँ, एक टॉपिक है फिजिक्स का। ठीक है, हमारे इलेक्ट्रो स्टैटिक का। ठीक है, कोरोना डिस्चार्ज टॉपिक का नाम क्या बोलो? कोरोना डिस्चार्ज को हम लोग समझना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोरोना डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है। ठीक है, गुड। यानी कि जो चार्ज होना, चार्ज जो चार्ज होता है, मान लो कोई कंडक्टर में मान लो चार्ज होता है। ठीक है, इसी को क्या करेंगे? डिस्चार्ज करेंगे, मतलब चार्ज नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब यही होगा। डिस्चार्ज का मतलब चार्ज, मतलब समझ में आता है। तो डिस्चार्ज क्या है? चार्ज का उल्टा डिस्चार्ज है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मैं बताऊंगा। मान लो सपोज करो यह है प्लस क्यू चार्ज। मान लो यह स्फेरिकल है। क्या है? स्फेरिकल है। इसका रेडियस सपोज करो, इसका रेडियस है R1। ठीक है, दूसरा कोई स्फेरिकल है और इसका रेडियस सपोज करो क्या है? R2 है। ठीक है, इस पर मान लो Q2 चार्ज है, इस पर सपोज करो Q1 चार्ज है। तो सबसे पहले हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज कैसे ट्रांसफर होता है। ठीक है, चलो इसको समझते हैं। तो देखो, यानी कि इस बॉडी का पोटेंशियल कुछ होगा। इस बॉडी का पोटेंशियल भी इक्वल कितना? 1/4πε0 Q1/R1 होगा ना, Q1/R1 भी इक्वल टू क्या होगा बोलो? 1/4πε0 Q2/R2। पर एक बात समझो कि चार्ज एक बॉडी से दूसरा बॉडी में जा रहा है। सपोज करो यहां से यहां तक जा रहा है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि चार्ज कब नहीं जाएगा? इस बॉडी में चार्ज का बहना यानी कि बहाव जो है बंद हो जाएगा। कब होगा बोलो? जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। मतलब इसका पोटेंशियल मान लो V1 है, इसका पोटेंशियल सपोज करो कि V2 है। तो ठीक है, जब V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा, तो चार्ज का जो फ्लो है वो रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है हमेशा क्या होता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाता है। ठीक है, अगर बॉडी सपोज करो कि V1 इज ग्रेटर देन V2, अगर बॉडी ए का, इस बॉडी का नाम सपोज करो ए देते हैं, इस बॉडी का नाम बी देते हैं। ठीक है, तो इसका भी भी निकले, कोई दिक्कत होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, तो सपोज करो कि बॉडी ए का जो है पोटेंशियल ज्यादा है, तो चार्ज का बहाव होगा A to B। चार्ज का बहाव क्या होगा? A to B। और सपोज करो कि इसका पोटेंशियल अगर इक्वल हो जाएगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, तो चार्ज का बहाव बंद हो जाएगा। चार्ज का बहाव क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, यानी चार्ज फ्लो अब नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि चार्ज जो होता है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है। बट चार्ज दोनों में क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल है? दोनों में क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल है, तो चार्ज का बहाव नहीं होगा। दैट मीन्स अब चार्ज इसमें पास नहीं करेगा। तो कब करेगा? जब V1 इक्वल टू V2 होगा तब। यानी कि इसको थोड़ा और सारा कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो? 1/4πε0 Q1/R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q2/R2। ठीक है, तो 1/4πε0 कट जाएगा, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा बोलो? Q1/R1 इक्वल टू बोलो Q2/R2। ठीक है, तो इस कंडीशन पे क्या होगा? चार्ज का बहाव नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों बॉडी में क्या है? सेम है। समझ में आ रहा है? गुड। अब हम लोग बात करते हैं इन द टर्म ऑफ, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो डेंसिटी के टर्म में क्या होगा? मैंने आप लोगों को पढ़ाया था सरफेस चार्ज डेंसिटी। यदि किसी बॉडी का एरिया ए है और सपोज करो ए एरिया पर यदि टोटल आवेश कैपिटल क्यू है, तो यूनिट एरिया में कितना होगा बोलो? Q/A होगा। यूनिट एरिया में टोटल चार्ज कितना होगा? Q/A होगा। और यूनिट एरिया में जितना चार्ज होता है, किसी बॉडी में जितना चार्ज होता है उसी को बोलते हैं हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी। उसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिग्मा इक्वल टू क्या होगा? Q/A होगा। इसका मतलब क्या है? Q/A का मतलब, इसका मतलब है कि उस बॉडी का अगर एरिया जितना कम होगा उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा? उतना अधिक होगा। एरिया कम होने से सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है?
ज्यादा होता है, ठीक है। तो जिस बॉडी का एरिया कम होगा उसी बॉडी का क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा। तो इस टर्म में हम लोग बात करते हैं, इसका बोलो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, इस स्फेरिकल, मैंने बताया ये स्फेरिकल है, क्या है बोलो, एक गोला है, ठीक है। तो इस गोले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इस गोले का क्षेत्रफल हो जाएगा 4πr होगा, यही होगा ना, 4πr1 हो जाएगा, होगा। और क्या होता है बोलो, 4πr, गोले का क्षेत्रफल 4πr² होता है ना, गुड। और इसका बोलो क्या हो जाएगा, a = इसका हो जाएगा 4πr² होगा कि नहीं होगा, गोले का क्षेत्रफल यही होगा ना, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4πr² होता है, क्लियर। आप देखो ध्यान समझो, इस गोले का क्षेत्रफल इतना पता चल गया, तो इसका बोलो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा, q = हो जाएगा बोलो, सॉरी σ = क्या हो जाएगा, q1/a, एरिया का वैल्यू 4πr², ठीक है, यानी कि r1 का होल स्क्वायर, यानी कि q1 = कितना हो जाएगा बोलो, σ × 4πr1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये q1 का वैल्यू निकला, इस बॉडी पर चार्ज इतना है, ठीक है। इस बॉडी पर चार्ज कितना होगा बोलो, इस बॉडी पर चार्ज होगा, इस बॉडी का चार्ज होगा बोलो, इस बॉडी का चार्ज हो जाएगा बोलो सरफेस चार्ज डेंसिटी q2/area, एरिया का बोलो 4πr² का होल स्क्वायर। इसका मतलब कुछ समझ में आ रहा है, ऑफकोर्स आ रहा है कि सिग्मा जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो ये वाला टर्म अगर कांस्टेंट ले लें तो कितना हो जाएगा, 1πr1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, कितना, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1πr का होल स्क्वायर हो जा रहा है। यानी कि जिसका रेडियस जितना कम होगा, रेडियस जितना कम होगा उस बॉडी का क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। हम लोग सिंपल मेथड में इसको समझ सकते हैं, एक ही एग्जांपल से देख लो ध्यान से, कि σ = q/a, σ = q/a का मतलब एरिया जितना कम होगा, एरिया क्या होगा, जितना कम होगा, ठीक है, जितना कम होगा उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी उतना ज्यादा होगा। कैसे और कैसे समझ सकते हैं, एरिया का क्या होगा बोलो, अगर गोला है तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है बोलो, 4πr² होता है ना, 4πr² होता है। तो यानी कि एरिया पर डिपेंड करेगा, ये जो एरिया है वो रेडियस पर डिपेंड करेगा, बॉडी के रेडियस पर। अगर बॉडी का रेडियस जितना कम होगा उसका एरिया उतना कम होगा, एरिया कम होगा कि नहीं, मतलब रेडियस पर भी डिपेंड कर रहा है। तो सिंपल सा मेथड यही है इसको समझने के लिए, कि जिस बॉडी का एरिया कम होगा उस बॉडी में क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा, क्लियर। अब मैं बताता हूं आगे कोरोना डिस्चार्ज का हम लोग प्रिंसिपल समझेंगे क्या है। सपोज करो कि कुछ इस प्रकार का, मान लो कोई कंडक्टर है, किस प्रकार का बोलो, ऐसा है, सपोज करो ऐसा कुछ, और इसको जो हाई टेंशन बैटरी से जोड़ दिया गया है, ये क्या बोलो, हाई टेंशन बैटरी से जोड़ दिया गया है, ठीक है। इस बॉडी से मान लो कि इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया गया, नेगेटिव टर्मिनल सपोज करो आर्थेड है, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, तो इस बॉडी में क्या होगा, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज आएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा ऐसे सरफेस के चारों ओर, बोलो होगा ना, इस बॉडी के सरफेस के चारों ओर। और बोलो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है सबसे ज्यादा कहां पर इकट्ठा होगा, यहां पे सबसे ज्यादा, यहां पे होगा, क्यों, क्योंकि यहां का एरिया बहुत कम होगा, यहां का एरिया क्या होगा, बहुत कम होगा। इस सिरे को क्या बोलेंगे बोलो, नुकीला सिरा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नुकीला, नुकीला सिरा, बात समझ में आया, इसको क्या बोलेंगे, नुकीला सिरा। यहां पर क्या होगा, चार्ज जो है बहुत ज्यादा होगा, कैसे यहां पर ज्यादा होगा, यहां का जो है तलिया आवेश घनत्व सबसे ज्यादा होगा q/a, बोलो तो q = होगा σ × a, बात समझ में आ रहा है, q/a, यहां का सिग्मा सबसे ज्यादा होगा, कैसे, हाउ, क्योंकि यहां का एरिया जो है, इस पार्ट का जो एरिया है, इस पार्ट का एरिया सबसे कम है, यानी कि एरिया कम होगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा, ठीक है। यही है कोरोना डिस्चार्ज का नोको का प्रिंसिपल, क्या, नोको का प्रिंसिपल, कोरोना डिस्चार्ज के नोको का सिद्धांत यही कहता है, ठीक है, कि जिसका मान लो एरिया जितना कम होगा उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट मीन सिग्मा क्या होगा, उतना अधिक होता है, बात समझ में आ रहा, जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी जितना कम होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसका एरिया जितना कम होगा, सिंपल सा बात समझो, जिसका एरिया जितना कम होगा उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी उतना अधिक होता है, दैट्स क्लियर, उसका उतना अधिक होता है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको एकदम ध्यान से अब हम लोग वैन डी ग्राफ जनरेटर को समझेंगे बढ़िया से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं वैन डी ग्राफ जनरेटर का, ठीक है। तो वैन डी ग्राफ जनरेटर जो है
वेन डी ग्राफ, ठीक है। वेन डी ग्राफ जनरेटर जो है ये क्या है, इसके प्रिंसिपल के बारे में, फिर इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में, और फिर हम लोग वर्किंग रूल के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं लिखना क्या है इसमें। देखो सबसे पहले यहाँ बात करते हैं प्रिंसिपल का, कि सिद्धांत क्या करता है वेन डी ग्राफ जनरेटर, ठीक है। ध्यान से समझना, एकदम फटाक समझ में आएगा। वेन डी ग्राफ जनरेटर एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी सहायता से अत्यधिक मात्रा में आवेश और हाई पोटेंशियल का मतलब वोल्टेज को क्या कर सकते हैं, जमा किया जा सकता है। और ये जो वोल्टेज होता है लगभग कितना जमा होता है, 10^6 वोल्ट। 10^6 वोल्ट का मतलब आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि 10^6 वोल्ट का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि करीब करीब, ठीक है, 10,000, ठीक है ना, 10,000 वोल्ट, ठीक है, उससे भी ज्यादा ही है, ठीक है। इतना हम लोग क्या कर सकते हैं, वोल्ट को स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। तो पूछेगा एग्जाम में कि वेन डी ग्राफ जनरेटर क्या है, तो लिखना क्या है कि वेन डी ग्राफ जनरेटर एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी सहायता से हाई पोटेंशियल, ठीक है, हाई पोटेंशियल मतलब वोल्टेज को जमा किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। और ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो देखो कि वेन डी ग्राफ जनरेटर जो है कोरोना डिस्चार्ज के नुकीले सिरे, इस पॉइंट को नोटेड कीजिएगा, मैंने बताया था, ठीक है, क्या है, वेन डी ग्राफ जनरेटर कोरोना डिस्चार्ज के नुकीले सिरे के सिद्धांत पर कार्य करता है। नुकीले सिरे का सिद्धांत पर कार्य करता है, मैंने बताया था, मैं एक बार और बताता हूं। नुकीले सिरे मैंने बताया था, कोरोना डिस्चार्ज मैंने जब बताया था तब, देखो कि ऐसे मैंने कुछ फिगर बनाया था और मैंने बताया था कि जो नुकीला सिरा होता है वहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, क्यू अपॉन ए का मतलब एरिया जितना कम होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी उतना ज्यादा होता है। यही कोरोना डिस्चार्ज में हम लोग डिस्कशन किए थे, ठीक है। तो यानी कि जो है ये जो वेन डी ग्राफ जनरेटर है वो नुकीले सिरे पर सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होगा, जिसके कारण क्या होगा, ये जो गोला एस दिख रहा है ना, इस गोले एस में क्या होगा, बोलो, इस गोला एस में पोटेंशियल यानी कि हाई वोल्टेज क्या होगा, स्टोर होता जाएगा। वो हम लोग सीखेंगे बनावट के बाद, वर्किंग रूल में देखेंगे कि कैसे होता है, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा अभी याद रखने का, अभी सिंपल सा ही याद रखो कि वेन डी ग्राफ जनरेटर क्या होता है। वेन डी ग्राफ जनरेटर एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी सहायता से हाई वोल्टेज को स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। यह कोरोना डिस्चार्ज के नुकीले सिरों के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। मैं एक बार और बताऊंगा क्या है, वेन डी ग्राफ जनरेटर एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी सहायता से हाई पोटेंशियल को जमा किया जा सकता है, यानी कि हाई वोल्टेज को जमा किया जा सकता है। यह कोरोना डिस्चार्ज के नुकीले सिरे के सिद्धांत पर कार्य करता है। माइंड में आ गया होगा, गुड। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, बोलो, कंस्ट्रक्शन के बारे में। कंस्ट्रक्शन मतलब होता है बनावट, जिसको हिंदी से हम लोग रचना बोल देंगे, ठीक है, या फिर बनावट भी बोलेंगे। इंग्लिश का नाम क्या है, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन इसका समझते हैं। इसमें क्या होता है, देखो सबसे पहले वेन डी ग्राफ का ये एक फिगर है, ठीक है, जो मैंने बताया, ठीक है। ये क्या है, वेन डी ग्राफ का फिगर है, इसको छाप लो पहले, फिर समझना। कंस्ट्रक्शन क्या होता है, देखो इसमें लगभग 5 मीटर व्यास वाला धातु का एक गोला ऐसा होता है, ठीक है। इसमें जो ये जो दिख रहा है, इसका जो ये जो गोला है, इस गोले का जो डायमीटर होता है कितना होता है, लगभग 5 मीटर इसका डायमीटर होता है, ठीक है। कितना होता है, बोलो, 5 मीटर इसका डायमीटर होता है, इसका व्यास 5 मीटर होता है, जो लगभग 15 मीटर ऊंचे स्टैंड पर टिका रहता है, ठीक है। जो लगभग 15 मीटर ऊंच स्टैंड पर क्या रहता है, टिका रहता है, यानी कि ये जो हाइट है लगभग कितना है, बोलो, 15 मीटर हाइट पे जो है टिका रहता है। 15 मीटर मतलब बहुत ज्यादा ही है, करीब करीब, चलो, जो लगभग क्या है, 15 मीटर पर टिका रहता है। इसमें घिरनिया P1 तथा P2 है। ये जो P1 तथा P2 जो है, देखो ध्यान से समझो, ये जो P1 तथा P2, इसका मैं नाम ले रहा हूं, इसका नाम P1 है, बीच में करूंगा ताकि आगे और फिगर बनाना है, P1, और इसका नाम मैं दे देता हूं P2। ये जो P1 P2 दिख रहा है, दो पुल्ली है, क्या है, बोलो, इसका मैं नाम लिख दूं साइड में, पुल्ली है, ठीक है, जिसको हम लोग घिरनिया हिंदी से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घिरनिया, ठीक है। इसमें दो घिरनिया P1 तथा P2 है, जिससे एक बेल्ट गुजरती है, क्या गुजरती है, बोलो, बेल्ट। बेल्ट में तो समझ में आता है, और बेल्ट रेशम का या रबर का जो बेल्ट होता है, बेल्ट इसमें से गुजरता है, ठीक है। मैं इसको छाप ही देता हूं, इसमें से एक बेल्ट गुजार देता हूं, ठीक है,
इसमें से क्या होता है, एक बेल्ट गुजरता है, ठीक है, इससे होकर एक बेल्ट गुजरता है, क्लियर। आप देखो इससे इसमें जो है इसमें इसमें दो फुहार, ठीक है, फुहार कंघी, यानी कि जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्प्रे कम होती है जिससे चार्ज गोले एस में संग्रहित होता है। इसमें क्या होगा बोलो, दो कंघी होगा, देखो एक कंघी यहां पे होगा, इसमें कंघी का नाम जो ऐसे, ठीक है, इस टाइप का, यहाँ पे जो इसका दिख रहा है यहाँ पे बहुत नुकीला होता है, नुकीला मतलब समझ, बहुत यहाँ पे तीक्ष्ण होता है, तीक्ष्ण मतलब समझ में आ गया, वो ब्लेड जैसा धार होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पर भी एक कम होता है, ठीक है, यहाँ पर भी एक कम होता है, और इसको क्या करते हैं, एक हाई पोटेंशियल, इसको एक हाई पोटेंशियल बैटरी से जोड़ दिया जाता है, ठीक है, यानी कि हाई टेंशन बैटरी, ठीक है, HTB में लिख देता हूं, ठीक है, हाई पोटेंशियल जो क्या है, हाई टेंशन बैटरी से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है, इसका नाम मैं C1 दे देता हूं, इसका नाम मैं C2 दे देता हूं, ठीक है। देखो अब ध्यान समझो बनाओ, क्या है, इसमें लगभग 5 मीटर व्यास वाला एक गोला एस होता है, ये जो दिख रहा है ये कितना होता है, इसका व्यास 5 मीटर होता है, जो लगभग 15 मीटर ऊंचे, जो लगभग क्या होता है 15 मीटर ऊंचे स्टैंड पर टिका रहता है, ठीक है, इसमें घिरनिया P1 तथा P2 होती है, ये जो दिख रहा है ये P1 तथा P2 क्या है, दो घिरनिया है, ठीक है, दो क्या है, घिरनिया है, जिससे क्या होता है एक बेल्ट गुजरता है, बेल्ट किसका बना हो सकता है, ये तो रेशम का या तो रबड़ का, एक बेल्ट से गुजरता है, ठीक है, ऐसे, क्लियर। आटा चक्की मशीन में देखे होंगे बेल्ट, गुड, एकदम सेम टू सेम वैसे एक बेल्ट जो ऐसे गुजरता है, ठीक है, इसमें दो फुहार कंघी होता है, ठीक है, जिसको कंघी हम लोग बोलते हैं, स्प्रे कम, इंग्लिश क्या बोलेंगे, स्प्रे कम, ठीक है, ये जो C1 तथा C2 जो दिख रहा है ये दो स्प्रे कम है, ठीक है, जो बेल्ट से थोड़ा सा सटा हुआ है, बेल्ट से क्या है थोड़ा सा सटा हुआ है, C1 को हाई टेंशन बैटरी से जोड़ दिया गया है, देखो C1 को हाई टेंशन बैटरी से, हाई टेंशन बैटरी से जोड़ दिया जाता है, ठीक है, हाई टेंशन बैटरी से क्या कर दिया जाता है बोलो, जोड़ दिया जाता है, ठीक है, हाई टेंशन बैटरी से जोड़ दिया जाता है, और C2 को गोले S से जोड़ा जाता है, ठीक है, और C2 को गोले S से, गोले S से जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है चार्ज स्टोर होता है, जिससे क्या होता है चार्ज स्टोर होता है। अब मैं एक बार में पूरा समझाता हूं, ठीक है, सबसे पहले बात करें वेंडी ग्राफ जनरेटर क्या है, तो वेंडी ग्राफ जनरेटर एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी सहायता से हाई वोल्टेज को जमा किया जा सकता है, ठीक है, यह जो है कोरोना डिस्चार्ज के नोकों के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। अब बनावट पे आते हैं, बनावट मतलब कंस्ट्रक्शन, क्या होता है इसमें एक बोल सकते हैं इसमें एक खोखला गोला, या खोखला गोला बोलिए, इसमें एक धातु का खोखला गोला एस होता है जिसका व्यास लगभग कितना होता है 5 मीटर होता है, जिसका व्यास क्या होता है लगभग 5 मीटर होता है, और यह एक 15 मीटर ऊंचे स्टैंड पर टिका रहता है, ठीक है, और ये जो स्टैंड होता है वो इंसुलेटिंग होता है, इंसुलेटिंग मतलब समझ में आ रहा है अचालक माध्यम का होता है, ठीक है, अचालक माध्यम का, किसका माध्यम होता है अचालक माध्यम का होता है, ठीक है। इसमें दो घिरनिया P1 तथा P2 होती है जिससे एक बेल्ट गुजरता है, क्या गुजरता है बोलो, एक बेल्ट गुजरता है, और इसमें एक कंघी, इसमें दो कंघी होता है, कंघी मतलब स्प्रे कम, ठीक है, दो स्प्रे कम C1 तथा C2 है जो बेल्ट से चिपका हुआ है, दोनों क्या है बेल्ट से थोड़ा सा सटा हुआ है, ठीक है। C1 को एक हाई टेंशन बैटरी से जोड़ दिया जाता है, और C2 को गोले S से जोड़ दिया जाता है, जिसकी सहायता से क्या होता है गोले S में, गोला S में चार्ज स्टोर होता है। देखो मैं एक बात बताता हूं, मैंने इसको अपने तरीके से बताया, ठीक है, यहां पे मैंने लिखा हुआ है बहुत सारा, इसको लिख लीजिए आप कॉपी में, नोट कर लीजिए, और उसको क्या करना है अच्छे से समझ लेना है, माइंड में क्या करना है समझ लेना, और उसको खुद लिखना है, खुद लिखना है, क्यों, देखो एग्जाम में लिखा क्या रहता है कि आप लोग जो है यथासंभव अपने शब्दों में क्या करना है आंसर लिखना है, ठीक है, एग्जाम का कॉपी शीट में लिखा रहता है, तो समझ लेना और उसी बात को क्या करना है कॉपी पे लिख लो, एक बार में सब फटाक से याद हो जाएगा, ठीक है। मैं एक बार और बताता हूँ, देखो कुछ नहीं यहाँ पे जो लिखा हुआ है मैं देखूंगा ही नहीं, ठीक है, ऐसे ही मैं बताता हूँ, चलो क्या बताना है बोल, वेंडी ग्राफ जनरेटर क्या है, वेंडी ग्राफ जनरेटर एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी सहायता से हाई पोटेंशियल
ठीक है, हाई पोटेंशियल का मतलब वोल्टेज को जमा किया जा सकता है, ठीक है। यह कोरोना डिस्चार्ज के नोको के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। अब आएंगे किसमें, ब्रॉड, सिर्फ फिगर को देखना है, जो जो दिख रहा है उसी को क्या करना है, छाप देना है। क्या दिख रहा है, गोल, इसमें एक गोला आयास होता है, ठीक है, इसमें गोला एक थोड़ा सा बढ़ाना, तो इसे लिखेंगे, इसमें एक धातु का गोला, खोखला गोला ऐस होता है, जिसका व्यास लगभग कितना होता है, 5 मीटर होता है। इसमें एक 15 मीटर अचालक माध्यम के स्टैंड पर टिका होता है। इसमें दो घिरनिया P1 तथा P2 है, जिससे एक बेल्ट गुजरती है, बेल्ट रेशम की या फिर बोलो रबड़ की होती है। इसमें दो कम भी होती है, और ये कम जो है, ठीक है, ये कम बेल्ट से सटा रहता है, यानी कि सटा रहता मतलब टच किया रहता है, ठीक है। C1 को एक बैटरी, हाई टेंशन बैटरी से जोड़ दिया जाता है, C2 को गोले एस से जोड़ दिया जाता है, जिसकी सहायता से चार्ज क्या होता है, स्टोर होता है गोले एस में, ठीक है, इतना लिखना है। अब हम लोग बात करेंगे किसका, वर्किंग का, किसका बात करेंगे, बोलो वर्किंग का, ठीक है, अपने से लिखना है, ठीक है, इसको स्क्रीन शॉट कर लो या छाप लो। अब हम लोग बात करेंगे बाबू किसका, बोलो, जनरेटर का वर्किंग के बारे में जानेंगे, ठीक है। वेंडीग्राफ जनरेटर जो है वो 1931 में, ठीक है, आरजे प्रोफेसर वेंडीग्राफ वेंडी ने क्या किया था, इसके बारे में बताया था, ठीक है, आरजे प्रोफेसर। तो इसका जो है, जो वेंडीग्राफ के बारे में पूरा जो एक्सप्लेनेशन किया, वो कौन किया था, बोलो, प्रोफेसर आरजे वेंडी ने, ठीक है। तो देखो ध्यान से समझो, अब वर्किंग इसका क्लियर करता है। तो वर्किंग क्या है, देखो, एक फुहार कंघी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रे कम बोलते हैं, और स्प्रे कम जो है सीवन से के नुकीले सिरे पर तलिया हुआ घर तो बहुत अधिक होता है। मैंने अभी जस्ट बताया था कोरोना डिस्चार्ज के बारे में। कोरोना डिस्चार्ज में क्या था, वही था जो मैं बता रहा हूँ, कि जो नुकीले सिरे पर क्या होता है, तलिया हुआ घर तो बहुत ज्यादा होता है, यानी तलिया हुआ घर तो बहुत ज्यादा होता है, मतलब सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो देख लो ध्यान से, यहाँ पे किसका बात हो रहा है, सीवन का, ठीक है। तो फुहार कंघी स्प्रे कम सीवन के नुकीले सिरे पर तलिया आवेश घन तो बहुत अधिक होता है, मतलब ये जो हाई टेंशन बैटरी है, यहां से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज निकलेगा, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, और पॉजिटिव टर्मिनल पे क्या होगा, इस तरह जब होगा तो ये जो फुहार कम सीवन है, यहाँ इसके नुकीले सिरे पर क्या होगा, तलिया आवेश घन तो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होगा, जिसके कारण क्या होगा, देखो आगे पढ़ता है, जिसके कारण यह आवेश C1 से बैट से चिपक कर P2 पर पहुंचता है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे एयर होगा, तो एयर के कारण क्या होगा, बोलो पॉजिटिव चार्ज यहां पे है ना, तो यहां से बैट से चिपक कर पॉजिटिव चार्ज कहां से पहुंच जाएगा, P2 पर पहुंच जाएगा ऐसे, ठीक है। बैट के साथ चिपक कर ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहां चला जाएगा, बोलो, P1 पर पहुंच जाएगा, और P1 पर जाने के बाद फिर जो कम C2 है, C2 की मदद से यह गोले S में क्या होता होगा, जमा होता रहता है, ठीक है। यह प्रक्रिया क्या होता है, लगातार चलते रहती है यह प्रक्रिया, मतलब ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा मैंने प्रोसेस बताया, हाई टेंशन बैटरी से पॉजिटिव चार्ज निकल कर कहां पे आया, C1 में आया, C1 की मदद से C2 में गया, और C2 की मदद से क्या हुआ, जो गोले एस पर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, स्टोर होने लगता है, ठीक है। तो यह प्रक्रिया चलते रहती है, लगभग जो है कितना वोल्ट स्टोर हो जाता है, बोलो 10^6 वोल्ट जो है, ठीक है, इस पूरे में जमा हो जाता है, गोले एस पे जमा हो जाता है, ठीक है। यही है वेंडीग्राफ जनरेटर का वर्किंग, बात समझ में आया, मैं एक बार और पढ़ के इसको सुनाता हूं, ठीक है। फुहार कंघी स्प्रे कम C1 से निकल कर, ठीक है, कि सीरेज का पर तलियावेश घन तो बहुत अधिक होता है, मतलब ये जो है C1 है, C1 पर क्या होगा, तलियावेश घन तो बहुत अधिक होता है, जिसके कारण यह C1 से बैट से चिपक कर P2 तक पहुंचता है, ठीक है। यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद कहाँ चिपक के गया, बोलो, P1 के पास गया, और फिर कम C2 की सहायता से आवेश गोले A पर जमा होता रहता है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जिसके कारण गोले S पर चार्ज, मतलब वोल्टेज, चार्ज का मतलब क्या, वोल्टेज, लगभग 10^6 वोल्ट तक जमा होता रहता है, बात समझ में, यही है क्रियाविधि, ठीक है। मैं इसको एक बार पूरा समझाता हूँ, एक बार पूरा स्टार्टिंग टू एंडिंग तक, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले क्या बात किए थे कि वेंडीग्राफ जनरेटर क्या है, तो वेंडीग्राफ जनरेटर एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी सहायता से हाई पोटेंशियल को स्टोर
किया जा सकता है, ठीक है। और यह जो है कोरोना डिस्चार्ज के नोको के सिद्धांत पर कार्य करता है। नोको का सिद्धांत मतलब जो जो जैसा भी सरफेस लेंगे उसके नुकीले सिरे पर तलिया आवेश घनत्व तो क्या होगा, बहुत ज्यादा होता है। तलिया आवेश घनत्व मतलब सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, ए का वैल्यू बहुत कम होगा तो सिग्मा का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं बनावट। बनावट में क्या होता है बोलो कि इसमें एक क्या होता है, इसमें एक धातु का एक गोला एस होता है जिसका व्यास लगभग कितना होता है बोलो 5 मीटर होता है, और इसको एक अचालक माध्यम के स्टैंड, ठीक है, 15 मीटर ऊंचे पर रहता है, ठीक है। इसमें दो घिरनिया P1 तथा P2 होती है जिससे एक बेल्ट गुजरता है, ठीक है, जिससे क्या होता है बेल्ट गुजरता है। इसमें दो कंघियां होती है C1 और C2, ठीक है, जिसका जो है जिस पर तलिया आवेश घनत्व तो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। C1 को बैटरी, हाई टेंशन बैटरी से जोड़ दिया जाता है, ठीक है, और ये जो C1 है वो बेल्ट से थोड़ा सा सटा हुआ रहता है, दैट मींस टच किया हुआ रहता है, ठीक है। और जो C2 है, C2 गोले S से जोड़ा जाता है, ठीक है, ये है इसका बनावट, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे वर्किंग का। वर्किंग का बात फिर देख के ही इसको बोलेंगे ऐसे कि C1 को जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो C1 का तलिया आवेश घनत्व बहुत ज्यादा होगा, C1 मतलब कम, ठीक है, स्प्रे कम, C1 का तलिया आवेश घनत्व बहुत ज्यादा होता है जिससे पॉजिटिव चार्ज निकलकर बेल्ट से टचिंग है, जिसके कारण क्या होता है बेल्ट से पॉजिटिव चार्ज P1 तक पहुंचता है और C2 की मदद से गोले S पे क्या होता है जमा होता रहता है, ठीक है। और इसमें लगभग 10^6 वोल्ट जो है, ठीक है, ऊर्जा जमा हो जाता है गोले S पर, ठीक है, यही है इसका क्रियाविधि। यह प्रोसेस जो है पूरा चलते रहता है, ठीक है, यह प्रोसेस बार बार क्या होता है घूम घूम के चलते रहता है, ठीक है। अब देखो इसका हम लोग बात करेंगे उपयोग। तो वैन डी ग्राफ जनरेटर का उपयोग कहां करते हैं तो प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा कण को त्वरित करने में किया जाता है, ठीक है। तो इट इज जनरली यूज जो है एक्सलरेटिंग करने के लिए किया जाता है, किसको किसको बोलो प्रोटॉन को, ड्यूट्रॉन को और अल्फा कण को एक्सलरेटिंग करने के लिए जो इसको उपयोग किया जाता है त्वरित करने के लिए, ठीक है। चलो दूसरा कहां, नाभिकीय भौतिक के अध्ययन में, नाभिकीय भौतिक के अध्ययन में भी किसको करते यूज करते हैं वैन डी ग्राफ जनरेटर का यूज करते हैं। इसमें क्या इतना बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल है तो हाई पोटेंशियल का यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रहा। नाभिकीय भौतिक के अध्ययन में, स्टडी ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। आगे देखो डीमेरिट्स, इसमें क्या क्या दोष हो सकता है, तो दोष यही है कि इसका जो हाइट जो है 15 मीटर है ऊंचाई, तो 15 मीटर हाइट होने के कारण, ठीक है, यह असुविधाजनक होता है, ये कंफर्टेबल नहीं होता एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए, ठीक है। दूसरा क्या है, उच्च विभव के कारण यह बहुत खतरनाक होता है। इसमें कितना वोल्ट स्टोर हो रहा है, 10^6 वोल्ट, आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं कितना वोल्ट जो है जमा हो रहा है, कितना वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी जमा होगा, जिसके कारण अगर बोलो कोई टच करेगा तो इसमें जान मान की क्षति हो सकता है, ठीक है। इसके लिए ये जो बहुत ये जो वैन डी ग्राफ जनरेटर है बहुत खतरनाक है। तो मैंने आपको पूरा बताया, ये वाला समझ में आया होगा तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और समझ में नहीं आया है तो भी क्या करना है, कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट करना है। थैंक यू वेरी मच, ठीक है।